हाय एवरीवन, मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं आई टेक क्लाउड। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोनी एक्सपीरिया 5 II स्मार्टफोन के बारे में। इसको ग्लोबली मार्केट में सोनी वालों ने लॉन्च कर दिया है और यार ये बहुत ही बीस्ट और अल्ट्रा लेवल स्पेसिफिकेशन के साथ इसको ग्लोबली मार्केट में लॉन्च कर दिया है। अब इसको सोनी वाले इंडियन मार्केट में भी लॉन्च करेंगे। तकरीबन मेरे ख्याल से इसको 5 अक्टूबर तक 2020 को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा और उसके बाद इसको पाकिस्तान के मार्केट में भी लॉन्च कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ, इसको ऑफलाइन मार्केट में, पाकिस्तान की मार्केट में इसको लॉन्च किया जाएगा। अगर इसके यार स्पेसिफिकेशन के बारे में अगर बात करें तो यार ये बहुत ही आला और अल्ट्रा लेवल स्पेसिफिकेशन के साथ आने वाला है। अगर आप इसको गेमिंग के लिए ख़रीदना चाहें या कैमरा के लिए ख़रीदना चाहें तो दोनों ऑप्शन के लिए आपके लिए बेस्ट फ़ोन होगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको इस फ़ोन की फुल डिटेल्स दूंगा कि इस पर आपको कौन सा डिस्प्ले दिया गया है, कौन सा चिपसेट के साथ ये आएगा। जो भी इस फ़ोन की डिटेल्स होगी मैं आपको आज की इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुरुआत करते हैं इसके प्राइस से। प्राइस की बात की जाए इसको अगर पाकिस्तान के मार्केट में लॉन्च किया गया तो इसकी प्राइस 80 से 85,000 पाकिस्तान की मार्केट में इसकी प्राइस रखी जाएगी। और अगर इसको इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया तो इसकी मेरे ख्याल से इंडियन मार्केट में 40,000 प्राइस रखी जाएगी इंडियन मार्केट में। ये अभी तक कन्फर्म नहीं है, ये एक्सपेक्टेड प्राइस है। और अगर इसके बिल्ड और डिज़ाइन की बात की जाए तो बिल्ड और डिज़ाइन आपको थोड़ी ओल्ड किस्म की देखने को मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़े बड़े बेजल्स देखने को मिल जाती है, जैसा कि अब ट्रेंड चल रहा है नॉच और डॉट ड्रॉप नॉच देखने को मिल जाती है। अगर सोनी वाले इसको थोड़ा अपडेट कर दे तो इस फ़ोन पर यार ये बहुत ही अच्छा होता। और अगर इसके बिल्ड की बात की जाए तो बिल्ड आपको एक अल्ट्रा लेवल की देखने को मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्रंट और बैक दोनों ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन में दिए गए हैं और इसका फ्रेम आपको एल्यूमिनियम में देखने को मिलेगा। और अगर इसके फीचर्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको IP65 और IP68, मतलब कि ये फ़ोन डस्ट और वाटर रेजिस्टेंट होगा। और डिस्प्ले की बात की जाए तो डिस्प्ले भी आपको एक आला लेवल का देखने को मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको 6.1 इंचेस का एक OLED डिस्प्ले दिया गया है। 80.9 स्क्रीन इंटू बॉडी रेशो देखने को मिल जाती है, 1080 डिस्प्ले पिक्सल्स होंगे और यहाँ पे आपको HDR BT 2020 की सपोर्ट देखने को मिल जाती है। और इस पे यार 120Hz का रिफ्रेश देखने को मिल जाता है, मतलब कि यहाँ पे आपको फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाता है और फिंगरप्रिंट आपको साइड माउंटेड में देखने को मिल जाता है। और इसकी एक और ख़ास बात है, ये एंड्रॉयड 11 पे बेस्ड होगा और इस पे जो चिपसेट दिया गया है वो भी आपको एक अल्ट्रा लेवल का चिपसेट दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे आपको Qualcomm Snapdragon 865 का चिपसेट दिया गया है जो कि 7 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बेस्ड होगा। और GPU आपको मालिक की तरफ से C650 का GPU इस फ़ोन पे आपको दिया गया है। अगर इसके CPU की बात की जाए तो CPU आपको 1x2.84 GHz का CPU इस फ़ोन पर आपको प्रोवाइड किया गया है। अगर इसके स्टोरेज की बात की जाए तो ये दो स्टोरेज में लॉन्च किया जाएगा। इसका जो पहला स्टोरेज होगा वो आपको 8GB 128GB, दूसरा 8GB 256GB का स्टोरेज आपको देखने को मिलेगा। तो बात की जाए इसके कैमराज की, कैमरा आपको ट्रिपल सेटअप कैमरा दिया गया है। इसका जो मेन कैमरा होगा वाइट, वो भी आपको 12 MP तक देखने को मिलेगा। टेलीफोटो आपको वो भी 12 MP और अल्ट्रा वाइड वो भी आपको 12 MP में देखने को मिलेगा, मतलब कि तीनों ही कैमरा आपको 12 मेगापिक्सल में देखने को मिलेंगे। अगर कैमरा फीचर्स की बात की जाए तो यहाँ पर आपको Z6 ऑप्टिक्स जैसे फीचर्स, LED फ्लैश और आई ट्रैकिंग जैसे फीचर्स इस फ़ोन पे आपको प्रोवाइड किए गए हैं। और सेल्फी कैमरा यहाँ पे आपको 8 MP तक देखने को मिलेगा। इस फ़ोन पे 3.5 mm ऑडियो जैक भी है, टाइप सी की सपोर्ट देखने को मिल जाती है। 4000 mAh की बैटरी इस फ़ोन पे आपको प्रोवाइड की गई है और ये फ़ोन 18 वाट तक फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट भी करता है। तो ये थे इस फ़ोन के स्पेसिफिकेशन। यार मुझे तो ये स्पेसिफिकेशन बिल्कुल ही अल्ट्रा लेवल के लगे, लेकिन हाँ, अगर इसकी डिज़ाइन आपको, जैसा कि न्यू ट्रेंड चल रहे हैं उस पर अगर इस डिज़ाइन इस फ़ोन की आपको दी जाती तो यार बहुत ही ये फ़ोन आला लेवल का लगता। स्पेसिफिकेशन तो इसके बहुत आला लेवल के ही हैं, अगर डिज़ाइन में थोड़ी इसकी चेंजेस कर दी की जाती तो यार ये बहुत ही फ़ोन और भी ज़बरदस्त लगता। तो क्या इस प्राइस टैग के साथ ये जस्टिफाई करता है? मुझे तो लगता है जस्टिफाई करता है। क्या आपको इस फ़ोन का इंतज़ार है या नहीं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको दूसरी वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।